तो आज हम सुबह 7 बजे निकल रहे हैं स्नो हंट के लिए। तो नीचे हरे हरे खेत है, नदी बह रही है और कितना ज्यादा सुंदर है यार। तो अभी हम लोग को वो पहाड़ पे चढ़ना है। इससे खतरनाक ट्रैक ना कहीं नहीं मिलेगा यार। यहाँ से अगर पैर फिसला ना भाई, मतलब रुकने का कोई चांस नहीं, नीचे इतनी गहरी खाई है ना। तो भाई अभी हम लोग है टीरी के सबसे ऊंची पीक में। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। भैया जिंदगी मौत ही बन जाती है जब सुबह का अलार्म बजता है ना, सुबह 5 बजे का, और तुमको अपनी गर्म रजाई जो छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, तो भाई जिंदगी मौत बन जाती है। और आज मैंने सेम फील करा है। लेकिन दगड़ियों एज आई ऑलवेज से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाकी दगड़ियों आज तुम्हारा भाई सुबह सुबह 6 बजे निकल चुका है, वैसे तो भी 7 बज गए लेकिन उठ में 5 बजे गया था। तो आज हम सुबह 7 बजे निकल रहे हैं स्नो हंट के लिए। तो कल की ही बात है, अपने पहाड़ों में धनौल्टी में चक्रातों में दबा के स्नोफॉल हुआ, और कल ना फ्राइडे था तो मैं जा नहीं पाया, क्योंकि भैया आप लोग को पता ही हम ऑफिस वाले हैं। तो मुझे लगा था सैटरडे को भी सेम मौसम रहेगा, लेकिन अरे यार सुबह उठा तो देखा भाई नीला आसमान, भाई इतना ज्यादा दुखना यार। कभी कभी तो लगता है कॉलेज लाइफ कितनी ज्यादा बढ़िया थी, लगता क्या है भाई होती कॉलेज लाइफ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, बस मुंह उठाया और चल पड़ो। पर लेकिन भैया अब हमें निकलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कब छुट्टी है क्या है। तो इसीलिए भैया जो भी कॉलेज में है स्कूल में है मजे कर लो दबा के, क्योंकि भैया ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बाकी दगड़िया चलो आज का प्लान आप लोग को बताता हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर से सोलो, एकदम जा रहा हूँ धनौल्टी की तरफ। लेकिन हम मसूरी होते हुए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मालदेवता वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ मेरा एक दगड़िया वेट कर रहा है, तो उससे मिलेंगे। वो वहाँ का लोकल है, तो वो कह रहा था कि आपको एक मस्त जगह लेके चलूंगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो मिल सकती है, तो देखते हैं कैसा रहता है। वैसे तो नीला आसमान हो गया है, कैसा तो क्या ही रहेगा, मतलब पोपट तो हो ही गया मेरा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बाकी चलिए फिर चलते हैं यहाँ से मालदेवता की तरफ। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदेवता, और भाई मेरे हाथ ना अभी इतने ठंडे हो रहे हैं ना, फोन का ना वो पावर बटन ही दब रहा था, इतना ज्यादा ठंडा हो रहा था, और इवन बोला भी नहीं जा रहा है अभी। बाकी अभी आप लोग को यहाँ से ना व्यू चेक करवाता हूँ। पहले तो देखो भाई ये खड़ी है अपनी बगिया जो कि कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और ये देखो भाई वाह, तो आसमान इतना ज्यादा क्लियर है ना, पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे बगल में ही होंगे लेकिन ये बहुत दूर है। और ये देखो भाई ये है अपना मालदेवता, नीचे हरे हरे खेत है, नदी बह रही है और कितना ज्यादा सुंदर है यार। बाकी देख लीजिए जैसे मैं आप लोग को बता रहा था मेरे बाइक में जो है वो थोड़ा खर्चा करा है, तो वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई ये लगाए हैं मैंने जाना की क्रैश गार्ड, जिससे बाइक देखो आप कितनी ज्यादा भरी भरी सी लग रही है, और ये ना प्रोटेक्ट भी करते हैं अगर कभी गाड़ी जो गिर गई, तो ये जो स्लाइडर्स है ना ये पूरा का पूरा वेट जो है सह लेते हैं, और फिर हैंडल वगैरह में जो है ज़रा प्रेशर नहीं पड़ता है। और ये मुझे पड़ा है 5,000 रुपये का। भाई इतना महंगा क्यों है ये भयंकर, मैं तो पागल हो गया था सुन के। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, इतनी महंगी बाइक है तो इसके लिए प्रोटेक्शन भी जो है अच्छी होनी चाहिए। साइड स्टैंड भी जो है वो चेंज करा दिया, अब देखो हल्का सा आगे की तरफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पहले एकदम स्ट्रेट था। तो ये दो चीजें जो है मैंने वो करवाई है। तो आई स्टिल रिमेम्बर ना जब मैंने पहली बार हिमालयन चलाई थी ना, तो मैं इसी सड़क से आया था, एंड दैट टाइम इट वॉज अ ड्रीम, नाउ ड्रीम इज रियलिटी। यस, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है यार। बाकी दगड़ियों ये ना मालदेवता से जो धनौल्टी रास्ता जाता है ये काफी ज्यादा कच्चा है। ये कमेंट में कौन कह रहा है ये भैया आपको क्या, आपके पास तो हिमालयन है। तो वही सच बात है, मतलब देखो रास्ता यहाँ पे ना काफी ज्यादा कच्चा है, लेकिन अपने को टेंशन नहीं है। ओए होए होए, बाकी सामने का व्यू देखो ना भाई, पूरी वैली में देखो सनलाइट आने लग गई है, तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। माय गॉड, अभी हम लोग ना इस पहाड़ के टॉप पे पहुंच चुके हैं, नीचे मुझे देहरादून दिखाई दे रहा है जो कि कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। भाई साहब नीचे घर ना ऐसे लग रहे हैं जैसे क्यूब्स रखे होंगे, व्हाइट कलर के क्यूब्स। भैया रुक के दिखाता हूँ आप लोग को मैं। तो जी हेलमेट वगैरह निकाल दिया है, बाकी अभी आप लोग को व्यू दिखाता हूँ। भाई यहाँ से तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलो एक बार दिखाता हूँ अभी आप लोग को। देखो जी वाह यार क्या लग रहा है ये व्यू, और यहाँ से ना इवन द्वारा का टावर तक दिखाई दे रहा है, वो देखो वहाँ पे आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा देखो हल्का हल्का वॉश टावर नहीं जो द्वारा में। भाई बड़ा बड़ा देहरादून क्या दिखाई दे रहा है, और नीचे भाई वो घर तो अल्टीमेट ही लग रहे हैं यार, इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना कि भाई ऐसा लग रहा है क्यूब्स रखे होंगे छोटे छोटे ना घर। ओ भाई वो खाई तो बहुत भयंकर गहरी है भाई इधर, ये देखो भयंकर सीधा नीचे है भाई सीधा नीचे। और अभी देखो मैं वो सड़क से घूम घूम के आया हूँ ऊपर यहाँ से इस पहाड़ के पीछे से, भाई पर जगह तो अल्टीमेट लग रही है भाई। यहाँ से अपना देहरादून, सामने मसूरी,
और वो देखो भाई वहाँ पे देखो बर्फ पड़ रही है पहाड़ों के टॉप में, तो वो धनौल्टी वाला एरिया है, तो बर्फ ना शायद इतनी ज्यादा है नहीं यार भाई यार, बहुत बुरी किस्मत थी। मतलब फ्राइडे को हुई बर्फ गिरी, लेकिन आज भी गिर जाती तो कितना मजा आता। आज मैं पूरा प्रिपेयर था भाई, तूफान है, बारिश है, जो भी है, रेनकोट पहन के निकल जाऊंगा, लेकिन सुबह देखा भाई नीला आसमान। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे अभी हम काफी दूर है ना, तो इसलिए कम दिखाई दे रही है, तो हो सकता है पास जाके जो है वो ज्यादा दिखाई दे। चल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं इस पुल में, और इस पुल का नाम पता है क्या है? मरोड़ा पुल। यस सही सुना आपने, जो पेट में उठते हैं ना मरोड़े, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भूख से मेरी पेट में मरोड़े उठ रहे हैं वही नाम इसका है, मरोड़ा पुल। ओ भाई, तो हमारा जो दगड़िया है ना वो यहीं कहीं रहता है, तो अभी हमें वो रास्ते में जो है मिल जाएगा। जो सफेद सफेद लड़का आ रहा है ना वही अपना दोस्त है, बाकी ये है उसका गांव सत्यम। भाई कितनी बढ़िया जगह पे रहते हैं यार। क्या हाल है? बढ़िया संदीप भाई, जल्दी पहुंच गया टाइम से पहले ही। मैं जल्दी, हाँ मैं तो बहुत देर में आया, बल्कि हो गया यार। तुम्हारी बात जो है ना इतनी ठंड में आ गए भाई, मेरे को सही बताओ, अगर कोई पैसे देके बोल रहा था भाई मैं नहीं आता, दिन में ठंडा हो रहा ना, क्या करें, नजारों के लिए करना पड़ता है। बाइक हम लोगों ने देखो यहाँ पे लगा दिया, बाकी ट्रैक जो है वहाँ है ना कहीं ऊपर, तो अभी हम लोग को वो पहाड़ पे चढ़ना है। पर इससे खतरनाक ट्रैक ना कहीं नहीं मिलेगा यार, ये देख रहा आपको मजा आएगा, बोल पक्की बात है ना? पक्की बात है भाई, और स्नो भी मिलेगी, स्नो ट्रैक। वैसे पता नहीं आप लोगों ने इसको पहचाना होगा कि नहीं पहचाना होगा, मेरे वीडियो पहले भी आ रहा है, एक बार मैंने मीटअप रखा था ना तभी आया था, ऋषिकेश गए थे हम लोग, ऋषिकेश गए थे। तो भाई का चैनल भी है अतुल भट्ट नाम से मेरा चैनल। तो भैया अभी हम आधा किलोमीटर चले होंगे और मेरे लंग्स मेरे गले तक आ गए। ये तो देखो गांव के छोरे हैं और हम शहर के बर्बाद लौंडे हैं, ये दौड़ रहे हैं भयंकर और मैं सांस फूलते फूलते आ रहा हूँ ऊपर। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं छानी। जो मेन रोड होती है ना वहाँ पे लोग रहते हैं, और पहाड़ के टॉप में उन लोग के दूसरे घर होते हैं जिसको छानी बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग गाय गुई रखते हैं। बाकी देखो जरा प्रॉपर्टी देखो कितनी बढ़िया घर है, एकदम शांत वातावरण। बाकी यहाँ पे एक स्ट्रीम बह रही है और उसकी प्यारी प्यारी आवाज। बाकी चलिए चलते हैं। ये करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर हम लोग चल गए होंगे, और अभी हम लोग एक पहाड़ के टॉप में पहुंच गए। और ये देखो भाई मतलब क्या परफेक्ट जगह कैंपिंग करने के लिए। बाकी अभी हम लोग को ओ पीक पे जाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखो हल्की हल्की आप लोग को बर्फ दिखाई दे रही होगी, और अभी दिखाता हूँ आप लोग को हमने स्टार्ट कहाँ से करा था। वो देखो भाई वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हम लोग एकदम जंगल के बीच में, और अब ट्रैक जो है खत्म हो गया और खुद बनाना पड़ रहा है। और ये देखो भाई बिल्कुल ऐसा है ना जैसे मखमली गद्दा होगा, बिल्कुल एकदम बहुत काई है बेसिकली ये पेड़ के ऊपर देखो। और ये देखो भाई इतने घने जंगल में चल रहे हैं अभी हम लोग, रास्ता है नहीं, अब रास्ता बना रहे हैं और चलते चल रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। और ये देखो भाई थोड़ी बहुत स्नो हमें दिखने लग गई है, लेकिन स्नो छोड़ो भाई ये रास्ता क्या है भाई, भाई ये कहाँ चढ़ रहे हैं हम लोग, ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है भाई बिल्कुल भी, मेरी आंखों से देखो गाइस, बाय गॉड रास्ता है कहाँ। अगर मैं एकदम परपेंडिकुलर करूँ ना फोन को तो ऐसा है देखो, और हमें चढ़ना है ऐसे, ये देखो भाई करीब करीब 70 डिग्री तो है भाई। तो अभी हम लोग काफी ऊपर आगे चढ़ के, और अभी ना यहाँ पे हमें अपनी मेहनत का जो है फल दिखाई दे रहा है, अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ से क्या ही व्यू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो हल्की हल्की जो है स्नो पड़ी है, बाकी अभी भी हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है, अभी हम लोग को जाना है ओ वहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप पे एकदम। अभी यहाँ पे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि स्नो पड़ी हुई है ना, तो फिसल रहे हैं पैर, और अभी हमको इसके ऊपर ही चलना है भाई। यहाँ से अगर पैर फिसलाना भाई तो ये देखो भाई मतलब रुकने का कोई चांस नहीं, नीचे इतनी गहरी खाई है ना, ऊपर से बर्फ इसे और चैलेंज कर रहा है, चैलेंजिंग बना रहा है। ये देखो पूरे रास्ते बर्फ ही बर्फ है, और अभी हम लोग को वो टॉप पे जाना है। तो भाई यकीन नहीं मानोगे ना भाई, मतलब जिंदगी का मेरे का एक सबसे कठिन ट्रैक बोल सकते हो, बहुत ज्यादा रिस्की था, बहुत ज्यादा मतलब बर्फ का कॉम्बिनेशन और ऐसा रास्ता बहुत डेडली था, मतलब एक गलत स्टेप और हम नीचे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ऊपर पहुंच गए, और भाई क्या हिमालयन रेंज दिख रही है अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई फिलहाल तो देखो इस टॉप में भी देखो हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन भाई सामने देखो ना भाई हिमालयन रेंज, यार ये कैमरा ना इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जो हमें आंखों से दिख रहा है ना, पीक्स इतनी बड़ी दिख रही है ना, और बड़ी क्यों दिख रही है क्योंकि बर्फ जो है ना वो नीचे तक हो गई है अब काफी ज्यादा, क्योंकि कल ही स्नोफॉल हुआ था ना पहाड़ों के ऊपर, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ होगा, तो इसलिए पीक्स की लेंथ जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, और कसम से आंखों से तो ऐसा लग रहा है क्या ही व्यू है। तो भाई अभी हम लोग है टीरी के सबसे ऊंची पीक में, वाह
टहरी खाई है। बाकी सामने देखो अपनी सुरकुंडा देवी टेम्पल है। वैसे सबसे ऊंची पीक अपने जो टीरी में ना वो वही है, उसके बाद यहाँ पर है, बहुत कम डिफरेंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बाकी देखो वहाँ पे सुरकुंडा देवी टेम्पल है, वो काला ताल है, और वो देखो वहाँ पे चंबा भी दिखाई दे रहा है, और ये देखो भाई यहाँ अपना स्नोमैन बन रखा है। तो आज सुबह से ना बहुत कड़ाके की धूप थी, उसमें जो है बर्फ वगैरह पिघल गई है, लेकिन फिर भी देखो भाई यहाँ पे तो बहुत है। ये देखो भयंकर, ये देखो गाइस। बाकी सुरकुंडा में भी देखो ना बर्फ जो है वो पिघल गई है, कहीं पे भी नहीं है भाई बर्फ। चलो भैया ये थी हमारी पीक, अब हम लोग वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अभी नीचे जाने में बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्लिपरी था यार, ऊपर आते भी इतनी हालत खराब हुई, भगवान जाने नीचे कैसे जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन चलो आराम आराम से जाएंगे। ये देखो भाई अब कैसे उतर रहे हैं, तो आखिरकार हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं सड़क में। कसम से भैया ये ट्रैक क्या ही ट्रैक था भाई, अभी तक का मेरा तो मोस्ट एडवेंचरस ट्रैक था ये, और भाई टांगों में जो दर्द हो रहा है ना भाई, और तुम्हारे भाई को भी देखो यहाँ से 60 किलोमीटर की गाड़ी चला के घर जाना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या करे, करना पड़ता है। तो ये थे हमारे ट्रैवल गाइड आज के, अतुल जी और ये भाई भी संदीप है, तो हम दोनों संदीप स्क्वायर बन गए थे आज। ये लोग घर जा रहे हैं, मैं भी घर की तरफ निकलता हूँ, वीडियो भी खत्म नहीं करेंगे, रास्ते में कहीं बढ़िया नजारा दिखेगा ना तब करूंगा खत्म। जी अभी हम लोग ना रास्ते में ही है, बाकी शाम के 6 बज गए, और सूरज देवता ना अभी मेरे सामने फोन निकालते ढल गया, अभी दिखाता हूँ आप लोग को, वो जो लाल लाल दिखाई दे रहे ना वो सूरज देवता ही अपने। बाकी चलिए ठीक है, इस ढलते हुए सूरज के साथ हम भी इस वीडियो को ढालते हैं, मतलब खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तो इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ इस वीडियो करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।